और स्थापना निधि की बैठक मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि अवस्थापना निधि में ऐसे कार्य किए जाएं जिससे जल निकासी जैसी समस्याओं का निराकरण हो। उन्होंने कहा कि अवस्थापना निधि में गरीब मलिन बस्तियों में अवस्थापना का प्रस्ताव अधिक से अधिक रहे। उन्होंने शुद्ध जलापूर्ति के लिए वाटर एटीएम भी लगाने की योजना बनाने को कहा। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल निगम की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाए जिससे गाड़ियों की निगरानी हो सके। उन्होंने नगर निगम की नगरीय अवस्थापना निधि से लगभग 12 करोड़ तथा 14वें वित्त आयोग की निधि से लगभग 18 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के बारे में सहमति दी। बैठक में महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा कि जो भी नालियों का निर्माण कराया जाए उसे डिस्चार्ज पॉइंट से शुरू किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, जीडीओ उपाध्यक्ष अमित बंसल, नगर आयुक्त पीपी सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अस्सी नंबर का सर बलंजा है, हमारी मेन रोड जा रही गाँव में जा। आपको बताया सर, मेजरमेंट करा लिया। चौरासी चौरासी